हेलो दोस्तों, बारिश के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। यह कैसी होती है इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। बारिश कैसे होती है इसे जानने से पहले पानी के तीन रूपों को समझ लेते हैं। पानी ठोस, द्रव और गैस तीन रूपों में पाया जाता है। दोस्तों जब पानी गर्म होता है उसके अणु थोड़े दूर दूर होने लगते हैं और हल्के हो जाते हैं और भाप का रूप ले लेते हैं और यह भाप हवा में मिलकर ऊपर उठती जाती है। यदि भाप की मात्रा ज्यादा हो तो यह बादल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी भाप को जलवाष्प कहते हैं। जब यह जलवाष्प ठंडी हो जाती है, जलवाष्प के संघनन या कंडेंसेशन के कारण जल कण पैदा होता है और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर इकट्ठे होकर वायु में ही तैरने लगते हैं। कुछ समय के पश्चात जल कणों की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वायु का अवरोध जल की बूंदों को वायुमंडल में लटकाए रखने में असमर्थ हो जाता है और धरातल पर जल वर्षा की बूंदों के रूप में आ गिरती है। दोस्तों बारिश होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पहला वायु में जल वाष्प की मात्रा, दूसरा समुद्र से दूरी। दोस्तों जैसे जैसे समुद्र के नजदीक जाओगे तो वहाँ बारिश अधिक देखने को मिलेगी। तीसरा भाप भरी हवाओं में बाधा, जैसे पर्वत आदि का आना। चौथा जलाशय का विस्तार। पांचवा अक्षांशीय स्थिति और छठा वनस्पतियों का आवरण आदि। वर्षा के प्रकार। वर्षा के मूलतः तीन प्रकार होते हैं, जिसमें पहला कन्वेक्शनल रेन, संवहनीय वर्षा। जब वायु गर्म हो जाती है तो वह संवहन धाराओं के रूप में उठती है और ऊपर उठकर फैल जाती है, जिससे इसका तापमान गिर जाता है और संघनन क्रिया आरंभ हो जाती है और इससे तेज बारिश शुरू हो जाती है। यह वर्षा गरज और चमक के साथ आती है। दूसरी वर्षा चक्रवातीय वर्षा, साइक्लोनिक रेन। चक्रवात के इंटरनल पार्ट में जब अलग अलग तापमान वाली हवा चलती है और आपस में मिलती है तो ठंडी हवाएं गर्म हवाओं को ऊपर की ओर धकेलती है, तब यह हवाएं ठंडी हो जाती है और वर्षा कर देती है। यह वर्षा धीरे धीरे होती है। तीसरी वर्षा माउंटेनियस रेन, पर्वतीय वर्षा। जब उस हवाओं के मार्ग में कोई पर्वत बाधा के रूप में आते हैं तो ये हवाएं ऊपर उठने लगती हैं और ठंडी हो जाती हैं और वर्षा कर देती हैं। थैंक यू।